वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. टुडे वी विल रीड चैप्टर 4. ओके, व्हाट इज द डेट टुडे? एवरी स्टूडेंट टेक आउट योर इंग्लिश कोच बुक, चैप्टर 4. व्हाट इज द डेट टुडे? 11. विच मंथ इज गोइंग ऑन? अगस्त. एंड अगस्त इज अ 8th मंथ 2020. डे ट्यूसडे. पी यू ई एस डी ए वाई, ट्यूसडे. चैप्टर 4. New friends. Today we will continue this chapter. आज हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. द लास्ट क्लास में हम हाफ चैप्टर ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. ओके, नाउ वी रिकॉल दिस चैप्टर. अब इस चैप्टर को रिकॉल करते हैं कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या रीड किया है. सी स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर यू रीड देयर इज अ बॉय नेम प्रणव. प्रणव एक लड़का है. वो स्कूल बस में बहुत स्लोली स्लोली मूव करता है. ही वॉक टू द स्कूल बस वेरी स्लोली. उसकी जो मदर है, हिज मदर ब्रॉट हिम अ ब्राइट रेड स्कूल बैग. उसकी मदर उसके लिए एक रेड कलर का ब्राइट स्कूल बैग लेके आती है, एक शाइनी बॉटल लेके आती हैं. और वो फिर एक नए स्कूल में जाता है. लेकिन वो अपना बेस्ट फ्रेंड, उसका बेस्ट फ्रेंड होता है अरुण, उसे बहुत मिस कर रहा होता है. एंड वो अपने जो ओल्ड स्कूल है, उसका ओल्ड स्कूल कहाँ पर है? मैसूर में. वो अपने पुराने स्कूल को भी बहुत मिस करता है. ओके, आफ्टर दैट व्हेन ही एंटर्ड इन द स्कूल बस, जब वो स्कूल बस में एंटर करता है तो बस वॉज फिल्ड विद द चिल्ड्रन. बस जो पूरी बच्चों से भरी होती है. दे आर लाफिंग एंड टॉकिंग. वो बात कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं. नो वन नोटिस हिम. उसे कोई नोटिस नहीं करता. एंड ही सेड ही गो एंड सेट इन द लास्ट रो. वो जाता है और बस में लास्ट वाले रो में जाकर बैठ जाता है. ओके, थोड़ी देर बाद अंकल एक लड़की वहाँ पर आती है जो उसके पास बैठ जाती है. प्रणव उसकी तरफ बहुत शाई से देखकर उसे कहता है, हेलो आई एम प्रणव. वो लड़की कहती है कि ओके. फिर कहता है आई एम हेयर, कि मैं यहाँ पर हूँ. वो उससे पूछता है कि इस देर इज अ बैडमिंटन कॉर्ट, कि क्या यहाँ पर बैडमिंटन कॉर्ट है. ही सेड वो कहता है आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, कि मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है. इस तरह से प्रणव और उस लड़की के बीच में बातें स्टार्ट होती हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ I will continue this chapter. So every student take out page number 47. आप सब बच्चों ने चैप्टर रीड किया था घर में? Every student read this chapter? Yes or no? Good student. Reading is must. Okay. Every student do reading one page Hindi and one page English on daily basis. Daily आपको one page English read करना है और one page Hindi read करना है. ओके, फोकस ऑन द रीडिंग एंड राइटिंग ऑल्सो. ओके स्टूडेंट, गुड. नाउ एवरी स्टूडेंट टेक आउट पेज नंबर 47. ओके स्टार्ट. आप सबको याद आया आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? प्रणव इज अ बॉय. उसकी मदर जो उसके लिए स्कूल बैग लेके आती है, उसका कलर क्या था? रेड. व्हाट इज द कलर? रेड. हु वॉज द प्रणव बेस्ट फ्रेंड? फ्रेंड अरुण. हु वॉज द प्रणव बेस्ट फ्रेंड? अरुण. When he entered in the bus, जब उसने बस में एंटर किया था, children were laughing and talking each other. जब बच्चे लाफ कर रहे थे, हंस रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे. ओके, नाउ एवरी स्टूडेंट पुट द फिंगर हेयर. आई डोंट नो. बोलिए. When प्रणव asked the girl, उस लड़की से जब प्रणव पूछता है कि इस देयर अ बैडमिंटन कॉर्ट, कि क्या यहाँ पर कोई बैडमिंटन कॉर्ट है, वो कहता है, ही आस्क्ड, वो उससे कहता है, उसे पूछता भी है कि आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, कि मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, कि क्या यहाँ पर बैडमिंटन कॉर्ट है. नाउ कंटिन्यू द चैप्टर. गर्ल जो है वो रिप्लाई करती है, आई डी ओ एंड नॉट डोंट A N O W no. K is silence. N O W I don't know.
द जी आई आर एल गर्ल आर ई पी एल आई ई डी रिप्लाई आई डोंट नो नो मीन्स जानना आई डोंट नो मैं नहीं जानती द गर्ल रिप्लाई रिप्लाई मीन्स उत्तर देना When Pranav asks if there is a badminton court, I like to play badminton. तो वो girl जो लड़की उसके पास आके बैठती है वो reply करती है I don't know, मुझे नहीं पता. No means जानना, reply means उत्तर देना, answer देना. Okay? I too am a an EWU STUDENT student girl replied I don't know कि मैं नहीं जानती I यानी मैं who means भी am whom a new student वो कहते कि मैं भी एक नई student हूँ यानी मैं भी एक new admission हूँ मैं भी एक नई बच्ची हूँ school में with WITS with a S M I L smile on his F-A-C-E face P-R-A-N-A-V Pranav A-S-K-E-D ask H-E-R her W-H-A-D what is your N-A-M-E name With a smile on his face. तब प्रणव के फेस पे एक स्माइल होती है वो हंसता है स्माइलिंग से हंसता है मुस्कुराता है प्रणव आस्क्ड हर और प्रणव उस लड़की से पूछता है व्हाट इज योर नेम कि तुम्हारा नाम क्या है व्हाट इज योर नेम तुम्हारा नाम क्या है समझ में आया हाउ स्टूडेंट गॉट इट When Pranav asked that girl is there is a badminton court कि क्या आपके यहाँ पर कोई badminton court है I like to play badminton मुझे badminton खेलना पसंद है The girl replied जो लड़की है वो answer करती है I don't know कि मैं नहीं जानती I too am a new student कि मैं यहाँ पर एक नई student हूँ कि मैं भी अभी अभी आई हूँ I am a new student मैं नई बच्ची हूँ With a smile on his face Pranav के face पे smile होती है और वो उससे पूछता है What is your name कि तुम्हारा नाम क्या है पुट द फिंगर हियर ओके विद अ स्माइलिंग फेस प्रणव आस्क्ड व्हाट इज योर नेम प्रणव उस गर्ल से पूछता है कि आपका क्या नेम है देखिए एस ए के एच आई सकी टी एच ई द जी आई आर एन गर्ल आर ई पी एल आई डी रिप्लाइड सखी द गर्ल रिप्लाइड जो लड़की है वो उसे रिप्लाई यानी आंसर करना कि मेरा नाम क्या है What? Sakhi. S-A-K-H-I. W-H-I-C-H. Which? C-L-A-W-S class. A-R-E-R-Y-O-U-I-N-N. Which class are you in? जो girl है Sakhi. Ask Pranav. Pranav से पूछती है. पहले उसे reply करती है कि my name is Sakhi. इस Sakhi कि मेरा नाम Sakhi है. Which class are you in? कि आप कौन सी कक्षा में है कौन सी क्लास में है फर्स्ट बी प्रणव रिप्लाइड रिप्लाइड यानी आंसर देना प्रणव रिप्लाइड करता है कि फर्स्ट बी फर्स्ट क्लास में हूं माय सेक्शन इज बी आई ए एम एम ए एल एस ओ आल्सो आई एन इन फर्स्ट बी एस ए के एच आई सखी आर ई पी एल आई ई डी रिप्लाइड सखी जो है उसे जवाब देती है आंसर करती है आई एम ऑल्सो इन फर्स्ट बी कि मैं भी फर्स्ट बी में ही हूँ रिप्लाइड स्माइलिंग स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हुए सखी रिप्लाइड स्माइलिंग सखी उसे हंसकर जवाब देती है कि आई एम ऑल्सो इन फर्स्ट बी कि मैं भी फर्स्ट बी में हूँ एंड इट इज लेट यू एस 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 आई टी सेट टी ओ जी ई टी एच ई आर टूगेदर Let's us sit together. आओ हम इकट्ठे बैठते हैं टूगेदर यानी इकट्ठे इन क्लास वो कहते हैं कि आओ हम क्लास में इकट्ठे बैठते हैं एंड ई एक्स पी एल ओ आर ई एक्सप्लोर वट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोर
एक्सप्लोर का मतलब होता है पता लगाना, एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है पता लगाना, फाइंड आउट, एक्सप्लोर करना उसके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना। एंड एक्सप्लोर आर न्यू स्कूल, और हम अपने नए स्कूल के बारे में पता लगाते हैं। प्रणव वॉज हैप्पी, प्रणव जो था वो प्रणव जो था वो खुश था। ओके गॉट इट स्टूडेंट। प्रणव उस लड़की से पूछता है कि व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है। गर्ल रिप्लाई करती है सखी। देन गर्ल आल्सो आस्क प्रणव विच क्लास आर यू इन। प्रणव रिप्लाइड आई एम इन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट बी। वो गर्ल रिप्लाइड करती है आई एम आल्सो इन फर्स्ट बी, कि मैं भी फर्स्ट बी में हूँ। लेट अस सिट टुगेदर इन द क्लास, आओ कक्षा में हम इकट्ठे बैठते हैं। एंड एक्सप्लोर आवर न्यू स्कूल, अपने नए स्कूल के बारे में पता लगाते हैं। प्रणव वॉज हैप्पी, प्रणव क्या था खुश था। गॉट इट स्टूडेंट। द रीडिंग इज कम्प्लीट। नाउ स्टूडेंट गिव मी द आंसर ऑफ सम क्वेश्चन। वट वॉज द कलर ऑफ प्रणव स्कूल बैग, वट वॉज द कलर ऑफ प्रणव स्कूल बैग, रेड। वट वॉज द कलर, रेड। Who was the Pranav best friend? Who was the Pranav best friend? Arun. What? Arun. Where was Pranav old school? Pranav का जो पुराना स्कूल था वो कहाँ पर था? Mysore. Spelled out Mysore. Mysore. Okay. When Pranav entered in the school bus, what the children are doing? They are laughing and talking loudly. वो बहुत क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे, सॉरी were laughing and talking loudly. Okay? Which game Pranav like? Pranav को कौन सा गेम पसंद था? Badminton. Which game? Badminton. Okay? Chapter is complete. Now student take out page number 48. We will do book exercise. Every student take out your pencil and fill your book with me. Let's start. Take out past. Okay. First question was, tick the correct answer. टिक द करेक्ट आंसर, आपको क्या करना है करेक्ट आंसर पर टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज पी आर ए एन ए वी, प्रणव मिस्ड। प्रणव जो था वो मिस कर रहा था। देर आर टू ऑप्शन, फर्स्ट इज ओल्ड स्कूल बैग, सेकेंड इज हिज फ्रेंड अरुण, एंड हिज ओल्ड स्कूल स्टूडेंट। गिव मी द आंसर। प्रणव मिस कर रहा था इस ओल्ड स्कूल बैग, अपने पुराने स्कूल बैग को, या हिज फ्रेंड अरुण, अपने फ्रेंड अरुण को, और अपना जिसका पुराना स्कूल ओल्ड स्कूल था इन मैसूर, किसे मिस कर रहा था? द राइट आंसर विल बी हिज फ्रेंड अरुण एंड हिज ओल्ड स्कूल। सो एवरी स्टूडेंट टिक द बी पार्ट। ओके नाउ सेकेंड पार्ट इज एवरी स्टूडेंट डू योर वर्क with me. I will check your book. मैं आपकी बुक चेक करूंगी। सो आई स्टूडेंट फिल योर बुक। पी आर ए एन ए वी प्रणव, एल आई के ई वी लाइक टू प्ले डैश फुटबॉल बैडमिंटन। ये स्टूडेंट गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर को बहुत ध्यान से रीड किया है वो इसका आंसर बहुत प्यार से कर सकते हैं। गिव मी द आंसर स्टूडेंट। प्रणव लाइक टू प्ले। प्रणव को कौन सा गेम पसंद था? फुटबॉल बैडमिंटन। बैडमिंटन। सो
टेंट। ओके दैट इज इन द स्कूल बस In the school bus, Pranav. School bus में Pranav कहाँ बैठा? There are two option. In the last last row, in the last row यानी आखिरी वाली row में बैठा. In the front row, front यानी सामने. Yes, student. The correct answer will be in the last row. So tick A part. Tick. Got it? Now, student, have student done it? Now, student, we will move page number 49. Page number 49. आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है. सी पार्ट इज अंडरलाइन द करेक्ट आंसर. अंडरलाइन द करेक्ट आंसर. फर्स्ट पार्ट इज प्रणव स्कूल बी यू एस बस बी आर वाई वेरी. स्टूडेंट इफ आई एम राइटिंग हर तो देर इज अ बेनिफिट यू रीड विद मी. आप मेरे साथ इसे पढ़ेंगे. मैं इसलिए यहाँ पर लिख रही हूँ कि आप मेरे साथ रीडिंग करना सीखेंगे. ओके प्रणव वॉक्ड टू द स्कूल बस वेरी ई ए जी ई आर एल वाई गर्ली एच ए डबल पी आई एम एल हैप्पीली स्लोली. प्रणव वॉक टू द स्कूल बस यानी प्रणव स्कूल बस की तरफ चलकर गया. वॉक करके गया वेरी यानी किस तरह से अगर यानी उत्सुकता पूर्वक हैप्पीली खुशी से स्लोली धीरे धीरे कैसे गया स्टूडेंट. द करेक्ट आंसर विल बी स्लोली. तो आप लोग क्या करेंगे अंडरलाइन स्लोली. आई स्टूडेंट डू अंडरलाइन स्लोली इन योर बुक स्लोली. सेकेंड पार्ट The school bus was filled W-I-T-H with C-H-I-L-D-R-E-N children who were Laughing, L A U G H I N G, laughing, A N G, and option is S I N G I N G, singing. It means the school bus was filled with the children. The school bus थी वो बच्चों से भरी हुई थी. Who were laughing? जो हंस रहे थे. And वो क्या कर रहे थे? Singing, गाना गा रहे थे. S-H-O-U-T-I-N-G, shouting means चिल्ला रहे थे. Talking, G-A-L-K-I-N-G, talking यानी बातें कर रहे थे loudly. The correct answer will be talking. The correct answer will be talking. So in the second option, underline I am a student talking. Okay? Done, student.
Have a student fill your book with me. Third part is P-R-A-N-A. Pranav. L-O-A-E-D. Looked at S-A-K-H-I. Sakhi. Dekhi. See. सखी का मैंने एस कैसे लिखा है स्टूडेंट, कैपिटल, क्यों? बिकॉज इट इज अ नेम. अगर हम किसी का नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. प्रणव लुक्ड एट सखी, यानी प्रणव ने तो सखी की तरफ देखा. किस तरह देखा स्टूडेंट? ए एन जी आर आई एल वाई. एंगरली यानी गुस्से से देखा. शाइली एस एच वाई एल वाई. शाइली यानी शर्माते हुए देखा. हैप्पीली या फिर खुशी से देखा. प्रणव लुक्ड एट सखी शायली. कैसे देखा था उसने? शर्माते हुए. अंडरलाइन शायली. फोर एस ए के एच आई सखी वांटेड डब्ल्यू ए एन टी ई डी वांटेड टू एक्सप्लोर ई एक्स L O R explore Rundo T H R O U G H hiding her new school with Pranav. सखी वांटेड टू, सखी जो थी वो चाहती थी एक्सप्लोर यानी पता लगाना या रन दो पूरे स्कूल में घूमना. हाइडिंग या उसमें छुप जाना. हर न्यू स्कूल विद प्रणव, जो सखी थी वो क्या चाहती थी प्रणव के साथ स्कूल के बारे में? एक्सप्लोर. सखी वांटेड टू एक्सप्लोर हर न्यू स्कूल. वो अपने स्कूल के बारे में हर चीज का पता लगाना चाहती थी. तो अंडरलाइन एक्सप्लोर E X P L O R E explore. Done every student. Now I erase it. Okay. Now D part, page number is 49. D part is read the words below C class. Put the finger here. Read the words below. They end with NG. आपको कुछ words दिए गए हैं जिन्हें आपने क्या करना है? Read करना है. Okay? Now B R I N G. B-R-I-N-G, bring. B-R-I-N-G, bring. K-I-N-G, king. L-O-N-G, long. R-I-N-G, ring. Have a student speak. S-I-N-G, sing. S-O-N-G, song. S P R I N G spring. S W I N G swing. W I N G swing. W R O N G wrong. Okay, again as students speak. B R I N G bring. Bring means lana. Bring means lana. जैसे होता please give, bring me a glass of water. Okay, bring. K I N G king. King means raja. King means raja. L O N G long. Long means lamba. R I N G ring. Ring means anguthi. Ring means
अंगूठी S I N J सिंग सिंग मीन्स जैसे गाना जो हम गाना गाते हैं गाना जैसे मैंने गाना गाया नन्ना मुन्ना रानी हूँ इस तरह से सिंग गाना सॉन्ग गाना ये होता है कि गाना जैसे मैंने अभी गाना गाया वो गाने वाला गाना ये होता है सॉन्ग यानी गाना ओके स्प्रिंग S P R I N G यानी बसंत ये एक सीजन का नेम है बसंत स्विंग S W I N G स्विंग स्विंग यानी झूला W I N G विंग विंग मीन्स पंख W R O N G रॉन्ग रॉन्ग मीन्स गलत रॉन्ग मीन्स गलत ओके ओके आप सबने इन शब्द को रीड किया वर्ड्स को रीड किया ओके नाउ मूव टू द ई पार्ट आप सब देखेंगे यूज सम ऑफ द वर्ड्स अबाउट टू कंप्लीट द सेंटेंस इट मीन्स आपको ऊपर से जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए उन वर्ड्स का यूज करना है से द सेंटेंस अलाउड आप सेंटेंस को बोलेंगे देखिए एस ए एन ए सना ए एन डी एंड एस ओ एन आई ए सोनिया एस आई टी सिट ओ एन ऑन टी एच ई द एंड डैश यहाँ पर आपको डैश दिया गया है डैश ए एन डी एंड डैश आ स्वीट डैश आपको क्या करना है ऊपर जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं इन्हीं में से वर्ड छाट के फाइंड आउट करके आपको इन क्लब्स को कंप्लीट करना है देखिए सना एंड सोनिया सिट ऑन द सना और सोनिया किस पर बैठे हैं सिट ऑन द स्विंग स्विंग यानी झूला एस डब्ल्यू आई एन जी स्विंग झूले पर बैठे हैं एंड डैश अ स्वीट सॉन्ग और क्या कर रहे हैं सिंग गाने गा रहे हैं अ स्वीट सॉन्ग सॉन्ग मीन्स गीत गाना जो गाना गा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं एंड सिंग अ स्वीट सॉन्ग ओके स्टूडेंट आर स्टूडेंट कंप्लीट एंड टेक आउट पेज नंबर 51 एंड राइट डाउन एच ए दिस इज योर होमवर्क पेज नंबर 51 पेज नंबर 51 राइट डाउन ओके आपको क्या करने हैं राइट ए और एन बिफोर द नेमिंग वर्ड्स आपको ए और एन ने दिए गए नेमिंग वर्ड्स में आपको क्या करना है यूज करना है ओके स्टूडेंट आप स्टूडेंट कंप्लीट द पेज नंबर 51 इन योर बुक ओके एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट Okay, bye bye. I will meet you the next class. Happy Janmashtami to all of you. Enjoy your day.